हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा एक छोटू सा ऑर्गेनाइज़र, जो कि देखने में इतना ब्यूटीफुल लगेगा और रखा हुआ भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसके मेज़रमेंट मैंने लिया है 12.5 इंच और 12.5 इंच का ये स्क्वायर पीस मैंने लिया हुआ है। और इसमें एक मैंने प्रिंटेड पीस लिया हुआ है, एक मैंने फैब्रिक पीस लिया हुआ है सेम इसी साइज़ का। और आप देखिए, इसी तरीके से मैं इस पीस को रख के यहाँ पेन के ऊपर रख के मार्क कर देती हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा खुला पार्ट रखना है और बाकी में हमें स्टिच कर देनी है। तो ये देखिए, मार्क मैंने कर दिया है, थोड़ा सा पार्ट मैंने खुला रखा हुआ है और बाकी पे मैंने स्टिच का निशान लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको पूरे पे स्टिच करते हुए जाना है। ये देखिए, फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये लिखने वाला है बनकर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखिए, ये इस तरीके से हमने कट कर लिया है और कट करके अब हम इसको कर लेते हैं सीधा। देखिए कुछ इस तरीके से अब हम इसको सीधा कर रहे हैं, ये सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हम इस पे लगा देंगे टॉप स्टिच। जो खुला हुआ पार्ट है वो भी हम इसमें बंद कर देंगे और टॉप स्टिच इसके ऊपर लगा देंगे। तो चारों तरफ हमें टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स, जब तक मैं इस पर टॉप स्टिच लगा रही हूँ, तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे और मैं बहुत ही अच्छी अच्छी बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने इस पीस को रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद हम क्या करेंगे, 4-4 इंच पे हम इस पे चारों तरफ हर कॉर्नर पे मार्क कर देंगे। ये देखिए, तो ये हमने मार्क कर लिए हैं। अब मार्क करने के बाद इन जो ये जो हमारे मार्क हैं, इन मार्क पे मिलाएंगे हम और इसे 1/2 इंच तक स्टिच कर देंगे। ओनली 1/2 इंच पर स्टिच करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो चारों कॉर्नर्स पे इसी तरीके से आपको 1/2 इंच की सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरीके से, आप इसको इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं और आपका ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से आप इसको लेके इस पे बटन वगैरह लगा सकते हैं। देखिए ये भी देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको मैं कई टाइप्स बताऊँगी इसके, देखते जाइए फ्रेंड्स। तो देखिए ये टाइप्स आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको ये टाइप अच्छा लग रहा है तो आप इस टाइप से भी इसको रेडी कर सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ पे पिन लगाए हुए हैं, आप इस पे लगा सकते हैं बटन वगैरह। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको कर ले रही हूँ उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से मैं इसको उल्टा कर रही हूँ। इसके कॉर्नर को खोलते हुए अच्छे से सीधा करके, ये देखिए। अब उल्टा करने के बाद जो हमारे ये एक्स्ट्रा जो अंदर वाला कपड़ा है, इसको हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो चारों कॉर्नर आप इसी तरीके से फोल्ड करके देखिए, यहाँ से पिन कर लीजिए। देखिए मैंने पिन कर लिया, और पिन करने के बाद भी कितना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र लग रहा है, एकदम फ्लावर की तरह इसका लुक आ रहा है। और ये देखिए, जहाँ पे आप पिन कर रहे हैं वहाँ पे आप इसको इस पर बटन लगा सकते हैं। तो आप चाहे बीच में बटन लगा सकते हैं थोड़ा ऊपर करके, या चाहे नीचे की साइड भी बटन लगा सकते हैं, या फिर आप कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप क्या लगाना चाहते हैं और आपको क्या अच्छा लगता है। देखिए देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है अभी से, तो मैं इसमें लगा देती हूँ अभी बटन। तो देखिए चलते हैं, हम बटन लगाते हैं, बटन कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए, ये मैंने बटन ले लिया है, बहुत छोटू सा मैंने बटन लिया है, और मैं सुई धागा ले ले रही हूँ। तो सुई धागा इस तरीके से निकाल के इस पर बटन यहाँ पे रखेंगे, और सुई धागे से अंदर की तरफ निकाल के फिर इसको बाहर की साइड निकाल के यहाँ से देखिए,
अब हम इसको बाहर की साइड निकालेंगे और निकालने के बाद इस बटन में से निकाल के अंदर की साइड इसको टिक कर देंगे। देखिए ये अंदर की साइड पुश कर दिया। सेम इसी तरीके से आप 2 से 3 बार कीजिए। देखिए और आप यहाँ से इसको सिलाई को पक्के करके धागे को काट दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये कैसा लगा ऑर्गेनाइज़र, आपको पसंद आया या नहीं पसंद आया फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये आपको छोटा सा ऑर्गेनाइज़र पसंद आया कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।